ये 18-19 तारीख को जो बारिश हुई है उसका पानी अभी तक ये भरा हुआ है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो बारिश हुई किस तरह की हुई होगी, और बारिश के बाद अभी तक ये जो आलू हैं इधर है, आपको सामने दिखेगा, उसके अलावा उधर भी दिखेंगे, आगे भी आपको ये पैकेट्स वगैरह रखे दिखेंगे, और आगे ये ट्रैक्टर्स का लोडिंग चल रही है, काम चल रहा है। तो इसी वजह से ये जो है अभी तक ये आलू इन खेतों से नहीं उठ पाया है, जबकि ये बारिश से पहले की खुदाई है। अभी ये शमशाबाद रोड पर ये नवादा खेड़ा है, वहाँ पर हूँ मैं, और ये जो खेतों की स्थिति मैंने दिखाई थी ये नवादा खेड़ा के है। इधर बारिश की क्या स्थिति रही, आप ये ट्रैक्टर की जो लीक है, जो ट्रैक्टर यहाँ से निकला है, उसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बारिश की स्थिति यहाँ पर किस तरह की रही होगी। अभी ये कुछ और पैकेट्स रह गए हैं, और इसके साथ साथ मैं एक सामने वाला खेत और दिखाई देता हूँ कि जो बारिश हुई अभी तक उसका पानी किस तरह का आपको दिख रहा है। मान लीजिए अभी भी ये खेत में यहाँ पर ये बारिश का ये जो पानी है ना, ये अभी भी खेत में पानी बारिश का ये भरा हुआ। बाकी आप सामने का खेत भी देख पाओगे। ये आलू की छटाई चल रही है, वैसे तो अभी खुदाई शुरू हुई है लेकिन कम है, क्योंकि जो बारिश हुई थी 18-19 तारीख में उस वजह से खुदाई नहीं हो पा रही, लेकिन ये जो खुदाई है ये 18 तारीख से पहले की हुई पड़ी है, और अब ये छटाई चल रही है, भराई चल रही है, यहाँ पे ये सिलाई भी चल रही है। तो भैया आप जरा बताएंगे खुदाई करीब करीब कब हुई थी? खुदाई तो 17 तारीख को हुई थी भाई साहब। 17 तारीख को हुई थी, 18 को रात में पानी पड़ा है। तो उसके बाद फिर पानी की वजह से भराई नहीं हो पाई, क्या वजह रही है? अच्छा, खुदने के लिए रह गया अभी ये खुदाई, तो अभी कम से कम 3-4 दिन लग जाएंगे लगने में। आराम से लग जाएंगे। इधर बारिश तेज थी, बाकी आप देखोगे इधर मैं दिखा देता हूँ आपको, ये आलू खुदा हुआ भी पड़ा है, ये आलू खुदा पड़ा है, इसको ढक दिया गया है। आप देखोगे ये अब इसकी छटाई होगी, उसके बाद में ये भराई होगी। अगर खेतों की बात करें तो इधर बारिश तेज थी और ये आलू रह गया है खुदने को, उसकी स्थिति में दिखाई देता हूँ किस तरह से जो आलू के झोरे हैं, जो आलू के बेड हैं, उनमें कितनी नमी है। और जहाँ तक है अभी 1-2 दिन लग जाएंगे खुदाई शुरू होने में। ये देखिए, ये इसमें अगर नमी की बात करें हम तो ये देखिए, ये देखिए, ये पूरे नीचे तक ये नमी आपको दिखाई देगी। तो अभी लगेगा 2-3 दिन लग जाएंगे, अभी खुदाई होने पर सही से खुदाई हो नहीं पाएगी, अब ये 2-3 दिन लगेंगे। ये ज़्यादातर जगह आप देखोगे सब जगह ऐसी स्थिति है, बारिश तेज थी तो ये सब जगह। अब इसको यहाँ भी आप खोद के देखिए तो ये देखिए, ये नीचे तक ये नमी है। आप देखोगे ये उस दिन ही की भराई हुई पड़ी है, लेकिन ये खेत जो गीले हैं इस वजह से ये ट्रैक्टर यहाँ तक नहीं आ पाया, इस वजह से ये अभी तक नहीं जा पाए। बाकी ये भराई के लिए, छटाई के लिए पड़ा है ये आलू। और जैसे ये जो धूप पड़ी है ना, उस हिसाब से आप देखो ये थोड़ा सा ऊपर का बारिश की और धूप की वजह से ये कलर भी आलू का हल्का सा चेंज आपको ये दिख रहा होगा, अलग दिख रहा होगा। ये देखिए थोड़ा सा ये, अगर आप वहीं इसको अंदर देखोगे तो अलग कलर रहेगा, लेकिन ये इस वजह से ये आलू का भी थोड़ा सा चेंज दिख रहा है। जहाँ आलू खुला हुआ है वहाँ पे अलग एकदम से ये कलर हो गया, ये देखो बारिश की वजह से ये इस तरह से, ये देखिए ये यहाँ पर ये ढका हुआ था थोड़ा अलग है, और ये जो खुला हुआ है आप खुले हुए को देखोगे कुछ हरा पड़ता जा रहा है और कुछ कलर भी डल होता जा रहा है। अब जैसे ये देखिए, ये पैकेट है,
ये सिलने से रहेगा, ये खुली है। तो आप ये देखिए इसका ये कलर, ये इधर देखिए। तो इस तरह का ये बारिश की वजह से जिन लोगों के आलू नहीं उठ पाए और खेत गीले हो गए, तो ये भी थोड़ा सा इस तरह का ये नुकसान है। अब पैकेट में अंदर तक किस तरह का ये असर रहेगा, अब ये तो ये पैकेट जब निकलेंगे खुलेंगे तभी पता चलेगा। और ये देखिए ये यहाँ पर ये छटाई हो रही थी, भराई हो रही थी, ये आलू इसकी सिलाई नहीं हो पाई। मतलब कुल मिला के ये ट्रैक्टर यहाँ ये पास तक ट्रैक्टर लदाई के लिए नहीं आ सकता, इतना अभी नमी है, इतना ये गीला है। ये बारिश जो है 18-19 तारीख को ही है, 18-19 से आज ये 23 तारीख है, इतने दिनों के बाद भी इस आलू की अभी तक भराई नहीं हो पाई, छटाई नहीं हो पाई। बारिश से पहले की ये आलू की खुदाई है और नमी आप देखोगे तो आप देख पाओगे आसपास ये खेत में किस तरह की नमी है, किस तरह की ये स्थिति बनी हुई है। मेरे साथ में सुखराम जी हैं। भैया अगर बात करें खुदाई की तो अपने क्षेत्र में संसार क्षेत्र में करीब करीब कितनी खुदाई बाकी होगी अभी? अभी 30% खुदाई बाकी है, अभी तो 30% खुदाई बाकी है। और कोल्डों में कितने भर गए होंगे कोल्ड की बात करें तो? मंडी कुल सेट गए कोल्ड वाले को किसी की, हाँ तो उसके ले रहे हैं आलू, सब भर गए कोल्ड, कोल्ड भर गए, हाँ सब भर गए भाई साहब। तो जब जी खुदाई होगी फिर आलू का क्या होगा? कैंप लग रहा है, बिक्री के लिए जाएगा फिर तो। ये बाकी क्षेत्रों से पिछड़ कैसे जाता है संसावा क्षेत्र खुदाई के मामले में? मतलब गोभी होती है भाई साहब जाने पहले ज्यादा तो। अच्छा, हाँ हाँ, इधर गोरखपुर बनारस इलाहाबाद और बिहार तक गोभी जाती है ना, हाँ, तो लास्ट में दीपावली बाद देवठान पड़ता है वहाँ पे, तब जो बवाई होती है वो खेत बची है।